हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक और नया चैप्टर अपना फाइन आर्ट्स क्लास 12th का, द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो चलिए आप लोग पहले इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कॉमनली रिफर्ड एज बंगाल स्कूल, यानी जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है उसे हम बंगाल स्कूल भी कहते हैं, वॉज एन आर्ट मूवमेंट एंड अ स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग। ये एक आर्ट मूवमेंट है जब आर्ट में बदलाव आया था, और एक ये न्यू स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग का ओरिजिनेशन भी कह सकते हैं इसे हम लोग। डेट ओरिजिनेटेड इन बंगाल, जो बंगाल में स्टार्ट हुआ था, प्राइमरी इन कोलकाता एंड शांति निकेतन। बंगाल में सबसे ज़्यादा कोलकाता और शांति निकेतन में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर ये फिर पूरे फ्लरिश्ड थ्रू आउट द इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज 20th सेंचुरी। इसके बाद फिर वो पूरे इंडिया में फैला जब ब्रिटिश राज चल रहा था। इट वॉज ऑल्सो नोन एज इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इसे हम लोग इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी कहते हैं। इन इट्स अर्लियर डे इट इज़ एसोसिएटेड विथ इंडियन नेशनलिज्म, स्वदेश। यानी ये जब आर्ट का नया दौर आया, नया मूवमेंट आया, तो वो नेशनलिज्म से जुड़ गया, यानी स्वदेश के लिए जुड़ गया कि अपनी आर्ट बनाएंगे। द इंडियन पेंटर्स एंड सेपरेटिंग देमसेल्फ फ्रॉम द वेस्टर्न आर्ट, एंड देन इन प्लेस ऑफ दैट इंडियन ट्रेडिशनल्स एंड वैल्यूज वर स्टार्टेड। यानी जब इंडियन पेंटर्स ने बॉयकॉट किया वेस्टर्न जो आर्ट का, और उसे सीखना छोड़ दिया और अपनी एक नई इंडियन आर्ट्स शुरू करने बनाने शुरू कर गए, तो उन्होंने इंडियन कल्चर्स को, इंडियन ट्रेडिशनल्स की वैल्यूज़ को अपनी आर्ट फॉर्म में दिखाने लगे। द आर्टिस्ट यूज पेंटिंग एज देयर वेपन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने आर्ट को, अपनी आर्ट को एक वेपन की तरह यूज़ किया, टू अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, नेशनल मूवमेंट में। एट दैट टाइम अ पर्सन नेम ईवी हैवल, उस समय एक ईवी हैवल, एक ब्रिटिश जो एक आदमी था ब्रिटिश, कम्स इन अ स्लाइट हु हैज़ अ ब्रिटिशर, जो एक ब्रिटिशर था, बट ही इज़ अ फॉलोअर ऑफ इंडियन आर्ट, बट वो फॉलोअर था इंडियन आर्ट का। ही सपोर्टेड टू एनहेंस द ट्रेडिशनल कल्चर, जिसने इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर का सपोर्ट किया उसे बढ़ाने में। एंड द सपोर्टेड ऑफ अविन्द्रनाथ टैगोर, और अविन्द्रनाथ जो टैगोर थे उनका भी साथ उन्हें मिला। एंड दे टुगेदर स्टेबलाइज अ न्यू स्कूल, इन दोनों ने मिलकर एक नया स्कूल का निर्माण किया, स्कूल ऑफ आर्ट विच कम्स टू नोन एज बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, उसी स्कूल का नाम बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है। एंड आफ्टर सम पीपल ऑल्सो केम टू लाइक टू हेल्प, लाइक उसके बाद कुछ लोग और आए हेल्प करने, जैसे गजेंद्र नाथ, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, जामनी रॉय। जामनी रॉय एक आदमी है, यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़ रहती है कि जामनी रॉय कौन है, यानी बॉय से या गर्ल्स से, एक बॉय है यानी लड़का है। और अमृता शेरगिल एक गर्ल है, और एन एस वीरेंद्र, ठीक है, ETC, इन लोग, ये लोग फिर बाद में उनसे जुड़े अविन्द्रनाथ टैगोर और ई वी हैवल्स के साथ। द स्कूल लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न पेंटिंग, यानी इस स्कूल ने नींव रखी एक नई मॉडर्न आर्ट पेंटिंग की। और अब हम इसकी फ्यूचर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका, बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल, यानी द बंगाल स्कूल इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल। जो बंगाल स्कूल था वो पूरी तरह से इंडियन स्टाइल पे बेस्ड था। एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस स्कूल इज़ बेस्ड ऑन द इंडियन कल्चर, जो इस स्कूल में आर्ट बनाई जाती थी उस सब्जेक्ट का मैटर होता था, वो इंडियन कल्चर को दिखाते थे उनमें। द पेंटिंग बेस्ड ऑन इंडियन थीम, जो पेंटिंग की थीम हुआ करती थी वो भी इंडियन हुआ करती थी, जैसे महाकाली, शिव पार्वती, कृष्णा एंड गोपीज, ETC। और इसमें हम देख सकते हैं कि सारी इंडियंस की जो भी ये पेंटिंग्स इंडियन रिलेटेड इसमें बनाई जाती थी। अब अगला पॉइंट है हमारा, इन्फ्लुएंस ऑफ अजंता पेंटिंग। अजंता पेंटिंग जैसे राजस्थानी पेंटिंग और मुगल पेंटिंग पुरानी पेंटिंग्स हैं, ऐसे अजंता पेंटिंग भी है। तो इन बंगाली स्कूल में इसका इन्फ्लुएंस रहा था अजंता पेंटिंग का।
तो बंगाल स्कूल इज़ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द अजंता पेंटिंग, अजंता आर्ट से इन्फ्लुएंस था। द क्वालिटीज़ ऑफ अजंता आर्ट्स लाइक रिदम्स, ग्रेस, हारमोनी, ETC आर विजिबल इन द बंगाली स्कूल्स। यानी उसमें हम अजंता स्कूल्स की जो टेक्निक्स देखी जा सकती हैं उसमें, और उनकी लय में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो सब हम इसमें देख सकते हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में। कलर हम देखें तो इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं। द कलर्स ऑफ बंगाल स्कूल आर वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव हुआ करते थे कलर्स। वॉश टेक्निक इज़ यूज एंड कलर आर नॉट ब्राइट। ये वॉश टेक्निक क्या होती है कि कलर्स को हम एक शेड्स की तरह यूज़ करते हैं, यानी उसमें पहले डार्क होता है फिर हल्का हल्का होता चला जाता है कलर, उसे हम वॉश टेक्निक कहते हैं। जी जापान में डेवलप हुई थी तो कुछ जापानी टेक्निकों को लिया गया था इसमें। बाद में से होलोमार्क बना दिया था बंगाल स्कूल का। इट इज़ यूज्ड एंड कलर आर नॉट ब्राइट, यानी उसके जो कलर यूज़ किए जाते थे वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होते थे, ज़्यादा चमकीले नहीं होते थे। इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल एंड राजस्थानी स्कूल, इसमें हम लोग मुगल और राजस्थानी स्कूल का भी इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। मुगल एंड राजस्थानी स्कूल इन्फ्लुएंस कैन आल्सो बी सीन एट सम प्लेसेस एंड सम टेक्निक्स आर आल्सो यूज दे आर इन पेंटिंग्स। यानी जो हम कई कई जगह देख सकते हैं मुगल और राजस्थानी की जो टेक्निक्स यूज हुई हैं पेंटिंगों में, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंगों में। लाइट एंड शेड, द शॉर्पनेस इन द पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल इज ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ ब्रिलियंट लाइट एंड शेड। जो जो सॉफ्टनेस दिखाती है पेंटिंगों में, जो आंखों को आराम देती है, जो सॉफ्टनेस देती है, यानी उसके कलर्स को जब हम पेंटिंग को देखते हैं तो उसमें बहुत ही ब्रिलियंट कलर और उसकी लाइट शेड की वजह से वो हमें बहुत ही अच्छी पेंटिंग लगती है बंगाल स्कूल की लाइट शेड की वजह से। तो अब हम लोग पेंटिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टडी ऑफ सम पेंटिंग्स ऑफ बंगाल स्कूल, तो इसमें सबसे पहली पेंटिंग है हमारी जर्नी एज एंड। तो इसके आर्टिस्ट है अवनींद्रनाथ टैगोर, इसका पीरियड है 1937 और इसका कलेक्शन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। स्कूल इसका बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है। स्कूल हमेशा इसमें जितने भी पेंटिंग्स आएंगे उसमें सेम रहेगा, और इसमें जो मीडियम है वो भी सेम रहेगा, यानी वाटर कलर इन वॉश एंड टेम्परेरा ऑन पेपर। यानी जो वाटर कलर है, मैंने कहा था कि वॉश टेक्निक वही होती है कि कलर को पहले डार्क करते हैं फिर उसके हल्का हल्का करते चले जाते हैं, एक शेड टाइप की हो जाती है वाटर कलर की, उसे पेपर में भी हम करते हैं। तो ये वाटर कलर इन वॉश एंड टेम्परेरा ऑन पेपर, ये आपको हर पेंटिंग में लिखना है। डिस्क्रिप्शन क्या है, इट वॉज पब्लिश्ड इन द प्रवासी ए बंगाल मैगजीन। प्रवासी, ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी एक प्रवासी बंगाल मैगजीन है, उसमें इट डिपिक्ट्स दैट द पेन ऑफ लाइफ थ्रू हिज हाफ आइज हाफ ओपन आइज। यानी जो हम लाइफ का पेन देख सकते हैं इस कैमल की हाफ ओपन आइज से, इट्स क्लियरली शो हाउ इज लाइफ इज अबाउट टू एंड। ये हमें दिखाती है कि इट्स क्लियरली शो हाउ इज लाइफ इज अबाउट टू एंड, ये दिखाती है कि इसकी लाइफ अब ख़त्म होने आ रही है। आफ्टर अ लॉन्ग एंड स्ट्रगलफुल जर्नी, एक लंबी और तनावपूर्ण यानी मुश्किलों से भरी जर्नी। द एक्सप्रेशन एंड द पॉस्चर ऑफ द कैमल लुक्स रियल एंड लाइवली। जो हमें कैमल का एक्सप्रेशन और उसका पॉस्चर, यानी उसकी जो जिस तरीके से वो बैठा है और पेंटिंग में दिखाया गया है, वो असली और जिंदा दिख रहा है। द फ्रंट लेग्स आर बेंट ऑन द नीज, जो उसके आगे के पैर हैं वो घुटनों के बल बड़े हुए हैं ग्राउंड में। वाइल हिज बैक लेग्स आर अपराइटेड, जो पीछे के पैर हैं वो खड़े हुए हैं। हिज हेड इज सोन स्लाइटली हाई फ्रॉम द ग्राउंड, जिसका सिर दिखाया गया है वो थोड़ा ग्राउंड से ऊपर है। अ मैसिव लोड ऑन द कैमल एज बैक शोज दैट द ग्रीट ऑफ द मास्टर इज इन एक्सप्लॉइटिंग द स्लेव टू देयर लास्ट ब्रीथ। यानी जो कैमल पर जो मैसिव लोड, यानी बहुत ज़्यादा लोड रखा हुआ है कैमल के ऊपर, वो दिखाता है कि उसका जो कैमल का मास्टर है वो उसके लालच को दिखाता है, मास्टर के लालच को, जो जो एक अपने एक्सप्लॉयटिंग कर रहा है यानी उसका शोषण कर रहा है अपने स्लेव्स का, यानी स्लेव यहाँ पे गुलाम यानी कैमल को दिखाया गया है। टू देयर लास्ट ब्रीथ, यानी उसका शोषण, वो जो मास्टर है वो उसका शोषण कर रहा है उसकी आखिरी सांस तक उसका। तो इसमें रेड रेड एंड येल्लो एंड ब्राउन कलर आर यूज इन बैकग्राउंड, जो रेड और येल्लो और बैकग्राउंड में कलर यूज़ किए गए हैं इसके, एंड मेक अ स्पेशल डिफ्यूज इफेक्ट ऑफ द सनसेट।
जो इसमें इसके बैकग्राउंड में देखा है, एक सनसेट का पूरा डिफ्यूज सीन दिखाया गया, यानी फैलाव दिखाया गया सनसेट का पूरा एक। अब हमारी अगली पेंटिंग है ट्रेलर ऑफ द सॉयल। पेंटिंग आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। इसके आर्टिस्ट है नंदलाल बोस, स्कूल इसका बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। मीडियम इसमें वाटर कलर ऑन पेपर और वॉश वॉश वाटर कलर ऑन पेपर। इसमें आप जोड़ लें जोड़ इसमें सभी पेंटिंग में वॉश एंड वाटर कलर ऑन पेपर सेम है। पीरियड इसका 1938 एडी है। कलेक्शन इसमें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली है। डिस्क्रिप्शन क्या है इसमें कि डिस्क्रिप्शन है इसमें, महात्मा गांधी इनवाइटेड टू डेकोरेट ऑल द इंडियन कांग्रेस पंडाल्स एट हरिपुर। जो महात्मा गांधी ने नंदलाल जैसे आर्टिस्ट और बहुत से आर्टिस्ट को इनवाइट किया था कि वो हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस पंडाल हैं उनको सजाने के लिए एट हरिपुर, हरिपुर में। तो नंदलाल बोस मेक अ सीरीज ऑफ 85 पोस्टर, उन्होंने एक सीरीज बनाई 85 ऑफ पोस्टर्स की, विच पॉपुलरली नोन एज हरिपुरा पैनल्स, जिन्हें हम लोग हरिपुरा पैनल्स कहते हैं। ऑल आर बेस्ड ऑन द थीम्स ऑफ इंडियन कल्चर। जो जितने भी पोस्टर थे वो सारे इंडियन कल्चर पर बेस्ड थे। उसमें सीन्स ऑफ डेली लाइफ दिखाए गए थे, डेली लाइफ जो आम दिनचर्या होती है उनको दिखाया गया था। म्यूजिक्स दिखाए गए थे जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड हो, सारी चीज़ दिखाई गई थी। ट्रेलर ऑफ द सॉयल इज़ वन ऑफ द पेंटिंग ऑफ दैम। जो ट्रेलर ऑफ द सॉयल था वो उन्हीं पोस्टर में से एक पेंटिंग थी। इन दिस पोस्टर अ फार्मर इज डिपेक्टेड टिलिंग द लैंड विथ अ पेयर ऑफ ऑक्सन एंड स्टिक इन हिज हैंड। जो फार्मर था उसमें इस पेंटिंग में जो दिखाया गया है कि फार्मर है एक, वो अपने ऑक्सन यानी दो बैलों के साथ खेत को जोत रहा है और उसके हाथ में एक स्टिक है। आप सब इस पेंटिंग में देख सकते हैं। टिलिंग मीन्स होता है जुताई करना। तो अब इसमें स्टिक इन हिज हैंड टू ड्राइव देम इन टू अ मोशन, यानी उन बैलों को स्टिक अपने हाथ में इसलिए लिया था कि उन बैलों को चलाने के लिए। द ऑक्सन आर वेल वर्ल्ड मैग्निफिकेंस्ट एंड वेल डेकोरेटेड विथ क्लॉथ एंड ऑर्नामेंट। जो ऑक्सन यानी उसमें जो बैल दिखाए गए हैं बहुत ही यानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं और उन्हें मैग्नीफाइंड्स यानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं और उसमें ऑर्नामेंट्स और क्लॉथ से उन्हें सजाया गया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप क्लॉथ और ये ऑर्नामेंट्स हैं जो बैलों को सजाया गया है। द फार्मर इज सोन ट्रेडिशनली ड्रेस इन धोती एंड टर्बन्स। जो फार्मर है उसे ट्रेडिशनली ड्रेस में दिखाया गया है धोती और टर्बन्स में, यानी धोती यानी पगड़ी और जो आम फार्मर्स की जो पोशाक होती है जैसे धोती और टर्बन्स में दिखाया गया है। टर्बन्स मीन्स पगड़ी होती है। द हिज फिगर ड्रेस एंड द ऑक्सन ऑल आर ड्रॉन विथ स्ट्रॉन्ग लाइन। जो ये जो फार्मर का फिगर्स है और उसकी जो टर्बन्स और उसकी धोती है और ये जो ऑक्सन यानी बैल्स को जो डार्क स्ट्रॉन्ग लाइन से ये बना बना के स्ट्रक्चर दिखाया गया। आप देख सकते हैं सब में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लाइन का यूज़ किया है। ये अजंता स्टाइल का अफेक्ट दिखाता है, यानी ये अजंता स्टाइल से इन्फ्लुएंस है। इट शोज़ द स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ अजंता पेंटिंग, यानी अजंता पेंटिंग का इसमें इफेक्ट देखा जा सकता है। द पोस्टर शोज़ द सिंपल लाइफ ऑफ फार्मर। जो इस पोस्टर में दिखाया गया है वो सिंपल लाइफ ऑफ फार्मर को दिखाया गया है कि एक फार्मर है जो अपने खेत को जोत रहा है बैलों की मदद से। एक सिंपल लाइफ दिखाई गई है फार्मर की। अब हमारी थर्ड पेंटिंग है रासलीला। रासलीला यानी कृष्ण भगवान से रिलेटेड है ये आप समझ सकते हैं। तो इसमें कृष्ण भगवान और गोपीज को दिखाया गया है। तो इसके आर्टिस्ट हैं किसेंद्र नाथ मजूमदार। मीडियम इसमें वाटर कलर इन वॉश एंड टेम्परेरा टेक्निक्स। वही वॉश मैंने कहा था कि आपको एक कुछ जो कलर्स होते हैं उनको जैसे पहले डार्क फिर उसके बाद हल्का हल्का करके उन्हें एक शेड टाइप्स का दिया जाता है कलर्स को, तो वही वॉश टेक्निक्स कहते हैं हम इन्हें। कलेक्शन इसमें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। इसका पीरियड है 1926 एडी। स्कूल इसका द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। डिस्क्रिप्शन क्या है इसमें, इन दिस पेंटिंग कृष्णा इज सोन इन द मिडिल ऑफ द गोपीज। यहाँ पे ये रहे कृष्णा और ये रही गोपीज, यानी कृष्णा को बीच में दिखाया गया है गोपीज के। कृष्णा एंड गोपीज आर डांसिंग अंडर द ट्री। जो कृष्णा है और गोपीज हैं वो डांस कर रहे हैं ट्री के नीचे इन फुल मूनलाइट, और पूरी मूनलाइट है, उस मूनलाइट का सीन दिखाया गया है उसमें। कृष्णा इज पेंटिंग इन डार्क ब्लू कलर। जो कृष्ण भगवान को है उन्हें
डार्क ब्लू कलर में दिखाया गया है एज डिपेक्टेड इन माइथोलॉजिकल बुक्स, यानी जो पौराणिक किताबों में दिखाया जाता है, जैसे कृष्ण भगवान को सांवरे रंग का यानी डार्क ब्लू कलर में दिखाया गया है। एंड द गोपीज आर पेंटेड वियरिंग लहंगास एंड दुपट्टास, जो जो गोपीज को दिखाया गया है वो पेंटिंग में दिखाया गया है कि वो लहंगा पहने हुए हैं और दुपट्टा पहने हुए हैं। द फ्लावर आर सीन इन द बैकग्राउंड, जो जो पेंटिंग में फ्लावर हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड में ग्राउंड में दिखाए गए हैं। अब हमारी अगली पेंटिंग है राधिका, इसकी आर्टिस्ट है MAR चौहतिया। मीडियम इसमें वाटर कलर ऑन पेपर है, पीरियड इसका 1920-21 है, 1920 से लेकर 21 है। कलेक्शन इसका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली है। स्कूल इसका द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका हम लोग पढ़ लेते हैं, ये रही इसकी पेंटिंग, आप देख सकते हैं। द राधिका इज ड्रॉन इन द प्रोफाइल फ्रेम, जो राधिका को इसमें जो राधा राधिका यानी राधा से रिलेटेड कुछ दिखाया गया है वो एक प्रोफाइल फ्रेम में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। शी इज ड्रॉन हर हेड डाउन, जो वो अपना सिर नीचे की ओर झुकाए हुए हैं। लार्ज आइज, बड़ी बड़ी आंखें हैं। शार्प आईब्रो, शार्प यानी बिल्कुल साफ आईब्रो है इसकी। हर ब्रेड ऑफ ब्लैक ट्रेसेस इज फॉलोइंग डाउन हर बैक, यानी जो उसकी ब्रेड मीन्स होती है, ब्रेड मीन्स होती है चोटी, तो और ट्रेसेस मीन्स होते हैं बाल, यानी उसकी चोटी जो काले बालों वाली है वो उसकी पीठ के पीछे यानी हर बैक के पीछे है, यानी पीछे की ओर है चोटी उसकी। सी इज होल्डिंग अ लोटस फ्लावर, यानी कमल का फूल लिए है। इन बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों में वो कमल का फूल लिए हैं। एंड अ हनी बी इज शोन सिटिंग ऑन द फ्लावर, जो हनी बी दिखाई गई यहाँ पे, ये देखिए आप, ये हनी बी बैठी है इस फ्लावर के ऊपर, लोटस के ऊपर दिखाई गई है। और शी वियरिंग अ येल्लो ओढ़नी पहने हुए हैं, रेड ब्लाउज पहने हुए हैं और पर्पल लहंगा। शी इज वियरिंग नेकलेस टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग, वो नेकलेस पहने हुए हैं जो पेंटिंग की ब्यूटी को बढ़ा रही है, आप ये नेकलेस देख सकते हैं यहाँ पे पेंटिंग में। और अ लैम्प इज शोन विद द बर्निंग फ्लेम एंड स्मोक, जो इसमें बैकग्राउंड में एक लैम्प दिखाई गई होगी, बर्निंग फ्लेम है और स्मोक धुआं निकल रहा है इससे, ये लैम्प है यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये मुगल मिनिएचर पेंटिंग को दर्शाता है, यानी ये इसमें मुगल मिनिएचर पेंटिंग का इफेक्ट आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में। अब हमारी लास्ट पेंटिंग मेघदूत, यानी द मैसेंजर ऑफ क्लाउड कह सकते हैं, जो मैसेंजर होते हैं क्लाउड के उन्हें हम मेघदूत कहते हैं। तो इस पेंटिंग में ये दो मेघदूत हैं, आप देख सकते हैं, इसे हम याक्ष बोलते हैं और इसे हम याक्षिणी बोलते हैं। आइए इसकी पेंटिंग के बारे में जानते हैं। इसके आर्टिस्ट हैं राम गोपाल विजय वगारिया। इसका पीरियड है 1940 AD। इसका स्कूल है द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। मीडियम इसमें वाटर कलर इन वॉश एंड पेपर, यानी वाटर कलर ऑन वॉश एंड पेपर, वही टेक्निक सेम यूज हुए, मैंने कहा था आपको, पहले भी बता चुका हूँ पेंटिंग में, इसका मीडियम, इसका स्कूल हर पेंटिंग में सेम रहेगा बंगाल स्कूल में। कलेक्शन इसका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली है। डिस्क्रिप्शन क्या है इसमें, इन दिस पेंटिंग मेघदूत, जिसे हमने क्लाउड मैसेंजर कहा है, याक्ष और याक्षिनी, यानी ये याक्ष और ये याक्षिनी है, आर शोन राइडिंग ऑन द क्लाउड, जो राइड कर रहे हैं क्लाउड के ऊपर, ठीक है, क्लाउड के ऊपर बैठकर राइड कर रहे हैं। इन द डार्क ब्लू स्काई, डार्क ब्लू स्काई में याक्षिनी इज क्लोजली एम्बेरसिंग याक्ष एंड प्लेसिंग हर हैंड ऑन याक्स एस चेस्ट, जो याक्षिनी है वो याक्स के जस्ट करीब चिपकी हुई बैठी है और अपना हाथ उसके चेस्ट पर रखे हुए है, छाती पर रखे हुए है। सी इज ड्रेस्ड इन पिंक कलर, वो पिंक कलर की ड्रेस पहनी है। और याक्ष इज बियरिंग अ ग्रीन कलर धोती, यानी वो जो याक्ष है वो ग्रीन कलर की धोती पहने हैं, आप देख सकते हैं ये पिंक ड्रेस में दिखाई गई है और ये ग्रीन कलर में याक्ष कपड़े पहने हुए हैं, अपनी धोती पहने हुए हैं, ग्रीन कलर धोती। एंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज बेयर, जो याक्स का अपर पार्ट बॉडी यानी ऊपर का पार्ट है वो बिना कपड़े के आप देख सकते हैं, बिना कपड़े के है यानी कोई कपड़ा नहीं है, ठीक है। अब ही इज होल्डिंग अ पिंक लोटस, वो याक्ष है वो अपने हाथ में एक पिंक लोटस लिए है, इन इज राइट हैंड, राइट हैंड में लिए हैं। एंड बोथ बियरिंग, जो दोनों याक्ष और याक्षनी हैं, इयररिंग्स पहने हैं, नेकलेस पहने हुए हैं,
ज्वेलरी वगैरह पहने हुए हैं। एंड याक्स वियर अ ट्रेडिशनल थ्रेड कॉल्ड जनेऊ। जो याक्स है वो एक ट्रेडिशनल थ्रेड पहने हुए, जिसे हम लोग हिंदी अपनी जो हिंदू लोग पहनते हैं जनेऊ होते हैं, जनेऊ, ठीक है, जनेऊ पहने एक ट्रेडिशनल थ्रेड कहते हैं ऐसे हम लोग जनेऊ। राइट साइड ऑफ द लोअर, द राइट साइड ऑफ द लोअर कॉर्नर फोर वाइट बर्ड्स आर फ्लाइंग। जो राइट साइड का हम कॉर्नर देखें पेंटिंग में, तो उसमें फोर बर्ड्स दिख रही हैं आप यहाँ पे जो उड़ रही हैं यहाँ पे। तो इस पेंटिंग में बस इतना ही, उस चैप्टर हमारा बंगाली स्कूल ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना मत भूलें, और प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर